आज हम जिस अदाकारा के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने कभी दुनिया की परवाह नहीं की। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये उनके लिए मायने नहीं रखता था। जब ये एक्टिंग करने आई तो उस समय की अदाकाराएं किसिंग सीन के बारे में सोच नहीं पाती थी। तब इन्होंने अपनी बोल्ड एक्टिंग से पानी में भी आग लगा दी। भले ही इस अदाकारा ने पर्दे को हिला देने वाले बोल्ड सीन दिए, लेकिन इनकी कभी भी गिनती बी ग्रेड और बोल्ड सीन देने वाली हीरोइनों में नहीं हुई। हमेशा सफ़ेद कपड़ों में दिखने वाली हिंदी सिनेमा में लेडी इन वाइट के नाम से मशहूर इस अदाकारा की जिंदगी बेहद रंगीन थी। इनकी लाइफ के किस्से जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जैसे कि क्या आपको पता है कि 5 साल की उम्र में ही इन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वो बनेंगी तो सिर्फ और सिर्फ हीरोइन ही बनेंगी। इनका नाम है सिमी ग्रेवाल, जिन्होंने 5 साल की उम्र में जिस हीरो की पहली फिल्म देखी उसी से मोहब्बत के चर्चे पत्रिकाओं में आम हो गए। बचपन में ही सिमी ग्रेवाल ने जिस शख्स से वादा किया उस शख्स के वादे को पूरा करने के लिए ही इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली। सिमी ग्रेवाल का सैफ अली खान के परिवार से आखिर क्या नाता है? एक नहीं, 4-4 लोगों से मोहब्बत करने के बाद भी ये अपनी जिंदगी में अकेली ही रह गई। आखिर पड़ोसी देश पाकिस्तान से इनका क्या बहुत गहरा नाता रहा? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड। इस वीडियो के अंत में आपको हम ये भी बताएंगे कि रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल का आखिर क्या रिश्ता रहा। सिमी ग्रेवाल का जन्म 17 अक्टूबर 1947 को पंजाब के जालंधर के एक सिख जाट परिवार में हुआ। हाँ, इनके परिवार का भारतीय सेना से बेहद गहरा नाता रहा, जहाँ इनके दादा कैप्टन कहर सिंह ग्रेवाल को रानी विक्टोरिया ने ADC की पदवी दी थी, वहीं इनके पिता भारतीय सेना में ब्रिगेडियर के पद पर थे। जन्म के कुछ समय बाद ही इन्हें पढ़ाई के लिए माँ के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। इंग्लैंड के न्यूलैंड हाउस स्कूल से इनकी पढ़ाई पूरी हुई। जब सिमी 5 साल की थी तब उन्होंने राज कपूर की फिल्म आवारा देखी और इस फिल्म ने उन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। और अपनी माँ से कहती कि माँ, मैं बड़े होकर हीरोइन बनूंगी। तभी छुट्टियों में सिमी भारत आई और दिल्ली के अशोका होटल में रुकी। वहीं पर मशहूर डायरेक्टर महबूब खान भी मौजूद थे। अति उत्साह में वो उनसे मिलने पहुंच गई और उनसे कहने लगी, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। तब महबूब खान ने उन्हें समझाया, बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, इसमें बड़ी मेहनत लगती है, जितना आसान तुम्हें लगता है उतना आसान है नहीं। तब वो छोटी सी बच्ची सिमी ने बड़े ही गुस्से में महान डायरेक्टर महबूब खान से कह दिया, देखना आप, एक दिन मैं एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी। फिर कुछ दिनों की छुट्टियां मनाने के बाद वो पुनः इंग्लैंड लौट गई। इंग्लैंड में वो जैसे तैसे बड़ी हो रही थी तो उनके मन में एक्ट्रेस बनने का पौधा भी साथ ही साथ बड़ा हो रहा था। पर जब सिमी के पिता को पता लगा तो पिता इसके बेहद खिलाफ थे, पर सिमी जिद और इरादे की पक्की, उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो बनेगी तो एक्ट्रेस ही बनेगी। सिमी ने अपने घर पर भूख हड़ताल कर दी। पिता का सख्त रवैया भी अब कमजोर पड़ गया था। किसी तरह पिता माने और 1 साल का समय दिया। अब सिमी फिल्मों में काम पाने के लिए इंग्लैंड के बड़े बड़े स्टूडियो गई। कुछ ही दिनों में उन्हें यह पता लग गया था कि इतने कम समय में ब्रिटिश इंडस्ट्री में काम पाना आसान नहीं है, और उन्होंने समय को न गंवाते हुए अपनी बहन के साथ महज 15 साल की उम्र में भारत की ओर प्रस्थान कर दिया और मुंबई पहुंच गई। मुंबई में अभी कुछ ही दिन हुए थे स्टूडियो के चक्कर लगाते हुए कि उन्हें अपने अच्छे अंग्रेजी उच्चारण के कारण अपनी पहली फिल्म 1962 में मिल गई। फिल्म का नाम था टार्जन गोज टू इंडिया। भले ही ये फिल्म अंग्रेजी में हो, लेकिन सिमी की खूबसूरती की चर्चा खूब हुई। इत्तफाक तो देखिए, जब इस अंग्रेजी फिल्म की शूटिंग फिल्मालय स्टूडियो में हो रही थी तभी इनकी मुलाकात
महबूब खान साहब से हो गई। तब सिमी ग्रेवाल ने बड़ी उत्सुकता से महबूब खान जी को अपनी वो बचपन की मुलाकात के बारे में याद दिलाया। महबूब खान बेहद प्रभावित हुए। उन्हीं दिनों महबूब खान साहब मदर इंडिया की सफलता के बाद उसका दूसरा पार्ट सन ऑफ इंडिया बना रहे थे। उन्होंने सिमी को उसमें एक लीड रोल दिया। हालांकि ये फिल्म बॉलीवुड में फ्लॉप रही। इधर समय के साथ साथ सिमी ग्रेवाल ने फिल्में तो कई की, लेकिन उन्हें असली शोहरत तब मिली जब 1965 में देवानंद साहब की तीन देवियां फिल्म आई। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। इस फिल्म के बाद सिमी ग्रेवाल का नाम और चेहरा बॉलीवुड में गूंज रहा था। इन्हें कई बड़ी बड़ी फिल्में मिली। इसी शोहरत के साथ साथ उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना भी साकार हुआ जब इन्हें कैरियर का सबसे बड़ा ब्रेक मिला। वो फिल्म थी राज कपूर साहब की मेरा नाम जोकर। ये फिल्म राज साहब की ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म थी। इसमें सिमी ने टीचर मिस मैरी का किरदार निभाया था, पर यह रोल इतनी आसानी से नहीं मिला। इसके लिए सिमी ग्रेवाल जी को बड़े झमेलों से गुजरना पड़ा। जरा तमीज सीखो, तुम लोग स्कूल के बच्चे हो, कोई अनपढ़ आवारा नहीं। पहले तो सिमी ग्रेवाल को अपनी आंटी से राज कपूर जी का बड़ी मुश्किल से नंबर मिला, और नंबर मिलने के बाद सिमी ने गलत नाम से उनसे बात करनी शुरू की। और जब राज कपूर साहब ने चर्च गेट पर उन्हें मिलने के लिए बुलाया, तब सिमी ग्रेवाल लाल गुलाब और एक खुद की लिखी कविता लेकर पहुंची। उस मुलाकात के बाद राज साहब उनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुए। राज साहब ने अपनी फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए उन्हें साइन कर लिया। ये किरदार राज कपूर की निजी जिंदगी से प्रेरित था। जब राज साहब पढ़ा करते थे तो उन्हें एक एंग्लो इंडियन अध्यापिका ने बहुत आकर्षित किया था। कहते हैं सिमी ग्रेवाल के मिस मैरी का किरदार इतना चर्चित इसलिए भी हुआ कि राज कपूर साहब ने उनसे अंग प्रदर्शन भी करवाया। सिमी के लिए सीन कोई अटपटी बात नहीं थी, क्योंकि उनका बचपन इंग्लैंड में बेहद बिंदास माहौल में गुजरा था। साल 1972 में उनकी फिल्म सिद्धार्थ जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई, मानो बॉलीवुड में भूचाल मच गया था। दरअसल ये दौर वह था जब फिल्मों में थोड़ी बहुत मर्यादा बची थी, जब पर्दे पर अभिनेत्रियां साड़ी और सलवार से अपने शरीर को ढके नजर आती थी। उस दौर में सिमी ग्रेवाल जी ने न्यूड सीन देकर बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। ऐसा भी नहीं कि सिमी ग्रेवाल को सिर्फ अंग प्रदर्शन के कारण बॉलीवुड में काम मिला। उन्होंने राज कपूर, मृणाल सेन, राज खोसला, सत्यजीत रे जैसे बड़े निर्देशकों के साथ काम किया। वैसे उनकी निजी जिंदगी भी फिल्मों की तरह बेहद बोल्ड रही। अगर पहले बात उनके रोमांस की करें तो कभी उनका नाम राज कपूर तो कभी मनमोहन देसाई के साथ भी जोड़ा गया। मेरा नाम जोकर फिल्म की शूटिंग के समय राज कपूर और सिमी ग्रेवाल के रोमांस की चर्चा पत्रिकाओं के लिए मसाला बनी रहती थी। और जब नसीब फिल्म में सिमी ग्रेवाल ने एक कैमियो रोल किया, तब नसीब फिल्म के डायरेक्टर मनमोहन देसाई से अफेयर्स की खूब चर्चा उछली। वैसे सिमी ग्रेवाल बेहद बिंदास स्वभाव की महिला रही। उन्होंने अपने शो में अपनी जिंदगी के कई राज खोले। उन्होंने कहा, मेरे जीवन में दस्तक देने वाले पहले व्यक्ति थे उनके लंदन में पड़ोसी और जामनगर के महाराजा। वो कहती हैं ये प्यार 3 साल तक चला, फिर कुछ वजहों से वो अलग हो गए। इसके बाद सिमी के जीवन में आने वाले अगले व्यक्ति थे भारतीय क्रिकेटर नवाब पटौदी जी। ये प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि क्रिकेट की पिच से लेकर बॉलीवुड के पटल तक सभी की जुबान पर इन्हीं के चर्चे थे। बात शादी तक पहुंच गई थी, पर इधर सिमी का कैरियर भी परवान चढ़ रहा था। सिमी उस समय लगातार कई फिल्में कर रही थी। तभी नवाब पटौदी की जिंदगी में शर्मिला टैगोर आई और दोनों काफ़ी समय साथ बिताने लगे। मीडिया में भी चर्चाएं पटौदी और शर्मिला टैगोर की उछल रही थी, पर सिमी ग्रेवाल अपनी तरफ से निश्चिंत थी। किस्सा कुछ यूं था
कि सिमी ग्रेवाल के घर की डोर बेल बजी। सिमी ने दरवाजा खोला और सामने पटौदी थे। सिमी के पास ढेर सारे सवाल थे। सिमी ने उन्हें नींबू पानी ऑफर किया। उतने में पटौदी फट से बोल पड़े, मुझे कोई और मिल गया है सिमी, मुझे माफ कर दो सिमी, हमारे बीच सब खत्म हुआ। और पटौदी बिना कुछ आगे कहे लौट गए। इसके बाद सिमी ग्रेवाल के जीवन में आया वो शख्स जिससे उन्होंने शादी की, जो कि उनके जीवन साथी बने। उनका नाम था रवि मोहन। बदकिस्मती देखिए कि ये रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिका। लगभग 3 सालों बाद दोनों अलग अलग हो गए। हाँ, यहां से सिमी ग्रेवाल के रोमांस के किस्से खत्म नहीं होते। फिर 1989 के दौर में सिमी का नाम जुड़ा पड़ोसी देश पाकिस्तान के व्यापारी सलमान तासीर के साथ। आगे चलकर सलमान तासीर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गवर्नर बने। लेकिन इस रिश्ते से भी सिमी मायूस रहीं और दोनों अलग अलग हो गए। अब हम बात सिमी ग्रेवाल के उस रिश्ते की कर लेते हैं जिसके लिए आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। शायद ही कुछ लोग जानते हों कि इनका नाम रतन टाटा से भी जुड़ा। सिमी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो रतन टाटा को डेट करती थी। दोनों का बेहद लंबा और करीबी कनेक्शन रहा। सिमी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि वो बेहद परफेक्ट जेंटलमैन है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। रिपोर्ट के अनुसार वे दोनों, मतलब सिमी ग्रेवाल और रतन टाटा, एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन किन्हीं वजहों से ये शादी टूट गई। जब सिमी ने अपना टीवी शो शुरू किया तब उन्होंने गेस्ट के रूप में रतन टाटा जी को भी बुलाया। रतन टाटा आए भी। सिमी ग्रेवाल ने ये कभी नहीं बताया कि ये रिश्ता क्यों टूटा, लेकिन आज तक वो रतन टाटा जी का सम्मान करती हैं। 1980 की शुरुआत में सिमी लेखन और निर्देशन के क्षेत्र में भी उतरी। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी सिंगा आर्ट इंटरनेशनल भी बनाई। सिमी ग्रेवाल को बॉलीवुड में लेडी इन वाइट कहा जाता है, क्योंकि अक्सर वो केवल सफेद कपड़ों में ही नजर आई, लेकिन उनका जीवन बेहद रंगीन रहा। वैसे पर्सनली मुझे सिमी ग्रेवाल की सबसे बेहतरीन फिल्म कर्ज लगती है, जिसमें ऋषि कपूर जी ने उनके अपोजिट काम किया है। हाँ, तो अगर आपने फिल्म देखी है तो जरूर बताइएगा कि फिल्म में ऋषि कपूर के पिछले जन्म का रोल किस बड़े एक्टर ने किया है। मैं कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। ये तो वस्तु पुरानी है। इसमें एक कहानी है। किसकी? और ये भी जरूर बताइएगा कि सिमी ग्रेवाल की आपको बेहतरीन फिल्म कौन सी लगती है। सिमी ग्रेवाल का नाम लेते ही कौन सा गाना आपकी आंखों के सामने आ जाता है। वैसे सिमी ग्रेवाल उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन पर समय के साथ साथ बढ़ती उम्र का असर देखने को कम ही मिला। आज भी वो बेइंतहा खूबसूरत नजर आती हैं। सिमी ग्रेवाल को बचपन से वो सब मिला जो शायद कोई एक्टर पाना चाहे, पर उनके जीवन में सिर्फ एक चीज की कमी हमेशा रही, जो था सच्चा प्यार। हमारी अपने चैनल के माध्यम से और अपने दर्शकों के माध्यम से यही कामना है कि सिमी ग्रेवाल जहाँ भी रहें इतनी ही खूबसूरत, इतनी ही जिंदा दिली से अपनी ज़िंदगी जीती रहें। हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारे इस 10-15 मिनट के वीडियो में हमारे द्वारा की गई 10-20 घंटों की मेहनत को आपका एक लाइक और प्रोत्साहित करता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।